जो सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो उपन्यास है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ हिस्ट्री एंड हिज वर्क्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द ओल्ड मैन एंड द सी इज ग्रेट नॉवल रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे। द ओल्ड मैन एंड द सी जो उपन्यास है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के महान उपन्यासों में से एक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन इंग्लिश राइटर, और जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं वो अमेरिकन अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक हैं। ही वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन ओक पार्क। इनका जन्म एक छोटे से कस्बे स्मॉल पार्क में हुआ। हिज फादर वॉज डॉक्टर क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे, ये थे, और इनकी माँ जो थी, हिज मदर वॉज ग्रेस हेमिंग्वे, और माँ का नाम क्या था, ग्रेस हेमिंग्वे। हेमिंग्वेज पेरेंट्स, हेमिंग्वे के माता पिता, फादर एंड मदर दोनों ही वर रिलीजियस एंड टैलेंटेड, दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे एंड टैलेंट थे। फिशिंग एंड हंटिंग, फिशिंग का अर्थ होता है मछली पकड़ना और हंटिंग का अर्थ होता है शिकार करना। तो फिशिंग एंड हंटिंग वर दी टू ग्रेट पैशंस ऑफ हिज फादर, उनके पिता की ये दो रुचियां थी, हंटिंग करना और फिशिंग करना। हिज मदर और उनकी जो माँ मिसेस ग्रेस हेमिंग्वे थी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड पेंटिंग, उनकी रुचि किस में थी, म्यूजिक में एंड पेंटिंग में। सी हरसेल्फ सिंग इन द चर्च, उसने स्वयं भी चर्च में गाया। सी विश्व, उनकी खुद की भी इच्छा थी, अर्थात अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो मदर थी ग्रेस हेमिंग्वे, उनकी भी इच्छा थी टू बी इंटरेस्टेड इन बोथ म्यूजिक एंड पेंटिंग, कि उनका जो बेटा है वो म्यूजिक और पेंटिंग में क्या ले, रुचि ले, इंटरेस्ट ले। अर्नेस्ट हेमिंग्वे बिगिन हिज करियर एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपनी जो आजीविका है वो एक संवाददाता के रूप में शुरू की। वाइल गिविंग हिज वॉलंटरी सर्विसेज, और अपनी स्वेच्छा से सेवा देने के दौरान, किसमें, इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में, ही वॉज बैडली वुंडेड, वो बुरी तरीके से घायल हो गए। एंड दिस एक्सपीरियंस, और यही जो अनुभव है, अर्थात उन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अनुभव लिया, वॉज ए बेसिस ऑफ हिज राइटिंग, उनके लेखन का आधार है। अर्थात उन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो अनुभव किए वही उन्होंने अपने लेखन में लिखा। राइटिंग ग्रेट सीन ऑफ वॉर इन हिज बुक, और उनकी बुक जिसका नाम क्या है, ए फेयरवेल टू आर्म्स, 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उन्होंने अनुभव किए, जो उन्होंने देखा, उसको उन्होंने अपनी इस बुक ए फेयरवेल टू आर्म्स इसमें उन्होंने लिखा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर इनाम दिया गया फॉर हिज ग्रेट इपिक नॉवल, उनके महाकाव्य के समान उपन्यास के लिए। द ओल्ड मैन एंड द सी, और उस उपन्यास का नाम क्या है, द ओल्ड मैन एंड द सी, और इसी उपन्यास को ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य का उन्हें नोबल प्राइज मिला इन 1954। तो स्टूडेंट्स, ये हमने स्टडी की अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में।
अब हम इंट्रोडक्शन टू दी नोबल उपन्यास का जो इंट्रोडक्शन है उसकी स्टडी करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वेज स्मॉल नोबल इज सेट इन दी गल्फ स्टीम ऑफ द कोस्ट ऑफ हवाना। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये छोटा सा उपन्यास जिसकी जो पृष्ठभूमि है वो गल्फ स्टीम हवाना तट पर जो गल्फ स्टीम की जो धारा है उसके अंतर्गत इसको लिखा गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसकी पृष्ठभूमि है कि हवाना तट पर जो गल्फ स्टीम की जो धारा है उसके बारे में। द मैग्निफिसेंट फीवर इन द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, और यह महत्वशाली जो कहानी है वो किसके बारे में है, एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में, एक यंग बॉय एक युवा लड़के के बारे में, एंड एक जायंट फिश और एक विशाल मछली के बारे में। इन दिस परफेक्टली क्राफ्टेड स्टोरी विच वन फॉर हेमिंग्वे द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, और ये जो रचना है वो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसके कारण उन्हें साहित्य का क्या मिला, नोबल प्राइज मिला, अर्थात उनकी इस रचना ने उनको साहित्य का नोबल प्राइज जिताया। इज ए यूनिक एंड टाइमलेस विजन ऑफ द ब्यूटी एंड ग्रीफ ऑफ मैन्स चैलेंजेस, इसमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में और आदमी के जो चैलेंज हैं चुनौतियां हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। टू दी एलिमेंट्स इन विच ही लिव्स, चुनौतियां जिनके अंतर्गत मानव निवास करता है या मानव उन चुनौतियों का सामना करता है। दी होल स्टोरी रिवॉल्व्स, पूरी की पूरी जो कहानी है वो घूमती है अराउंड एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति के चारों ओर, हु हैज बीन फेसिंग जो कि क्या कर रहा है, सामना कर रहा है दी ट्रायल्स संघर्षों का एंड ट्रिबुलेशंस विपत्तियों का, जो संघर्ष कर रहा है जो विपत्तियों का सामना कर रहा है इवर सिंस हिज यंग एज अपनी जवानी से ही। ये जो कहानी है वो एक वृद्ध व्यक्ति के चारों ओर घूमती है जो बचपन से ही अपनी युवा पीढ़ी से ही संघर्षों का सामना कर रहा है। He is undoubted by his old age and adverse fate, और किसके बावजूद, अपने वृद्ध अवस्था के बावजूद और अपने दुर्भाग्य के बावजूद वो अच्छी तरीके से He keeps on putting his endless effort in carrying out his duty, और वो पूरे जोश से पूरे प्रयास के साथ अपनी जो ड्यूटी होती है अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करता है। The novel is all about a fisherman, ये जो उपन्यास है वो एक मछुआरे के बारे में है जिसका नाम सेंटियोगो है। Who remains unsuccessful, जो कि असफल होता है for a long period of 84 days, जो 84 दिन तक असफल होता है, अर्थात 84 दिन तक वो बिना मछली पकड़े हुए रहता है इन हुकिंग ए सिंगल फिश, अर्थात एक सिंगल फिश भी वो पकड़ नहीं पाता है। However, he does not lose his patience, लेकिन वो अपने धैर्य को नहीं खोता, and goes on a long sea voyage after mustering up his decaying strength in order to catch a big fish, and goes on a long sea voyage, और वो एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाता है क्या करके, After mustering up, अपने साहस को बटोर करके, decaying strength, अपनी जो decaying, जो पतन हो रहा है, जो समाप्त हो रही, जो शक्ति है, उसके बावजूद, goes on a long sea voyage, वो एक समुद्री यात्रा पर चल देता है, क्या करने के लिए, to catch a big fish, एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। He succeeds in hooking a hug fish, और वो एक बड़ी मछली को पकड़ने में सफल भी होता है, which tries with its full strength, जिसका सामना वो पूरी ताकत के साथ करता है, full strength to defeat Santiago, but the latter defeats it. शुरू में तो वह उसको डिफीट कर देता है लेकिन बाद में वो खुद डिफीट हो जाता है। However, यद्यपि जो दी sharks, जो shark जो मछलियां हैं, untied the victory of the old man, जो वृद्ध व्यक्ति की जो विजय है उसको पराजय में बदल देती है। In the process,
इस प्रक्रिया में दी शार्क्स आल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स, जो शार्क जो मछलियां हैं वो भी अपने जीवन को खो देती हैं। दस इस तरीके से दी ओल्ड वेल्स जर्नी, इस वृद्ध व्यक्ति की जो यात्रा है एंडेड, इसका समापन होता है एट वेयर इट हैड स्टार्टेड, उसी जगह पर समाप्त होती है जिस जगह से ये शुरुआत हुई थी। ही गॉट नो फिश इन द एंड, और अंत में उसे कोई भी मछली प्राप्त नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इंट्रोडक्शन टू दी स्टोरी पढ़ा, अब हम इसकी ब्रीफ जो समरी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, द नोवल हैज ओनली टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। जैसा कि हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, एक सैंटियागो द ओल्ड फिशरमैन। सैंटियागो कौन है? एक वृद्ध मछुआरा है एंड ए यंग बॉय नेम्ड मैनोलिन, और एक युवा लड़का है जिसका नाम है मैनोलिन। द ओल्ड मैन फेल्स टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज, और जो वृद्ध जो मछुआरा है वो 84 दिन तक मछली पकड़ने में असफल होता है। स्टिल अभी भी द ओल्ड मैन डज नॉट लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन अभी भी जो वृद्ध व्यक्ति है वो आत्मस्वाभिमान को नहीं खोता है, उसको हल्का नहीं होने देता है। दी यंग बॉय मैनोलिन, और जो युवा लड़का जो मैनोलिन है, रिमेन्स विद हिम, जो उसके साथ रहता है फॉर 40 डेज, 40 दिन तक जो मैनोलिन है वो सैंटियागो के साथ रहता है। देन हिज पेरेंट्स, अर्थात 41वें दिन उसके जो माता पिता हैं टोल्ड हिम, मैनोलिन से कहते हैं टू गो विद सम अदर फिशरमैन, कि वो किसी दूसरे मछुआरे के साथ चला जाए। एज क्यों, जैसा कि जो सैंटियागो है वॉज एन अनलकी फिशरमैन, कि जो सैंटियागो है वो एक दुर्भाग्यशाली क्या है मछुआरा है, क्योंकि वो अब तक 40 दिन हो गए और एक भी मछली एक सिंगल फिश तक वो पकड़ नहीं पाया। दी बॉय और जो मैनोलिन है वो स्टॉप्स गोइंग विद सैंटियागो, वो सैंटियागो के साथ जाने बंद कर देता है। बट ही मीट्स दी ओल्ड फिशरमैन ऑफन, लेकिन वो सैंटियागो से अर्थात उस वृद्ध मछुआरे से अक्सर मिलता रहता है एंड हेल्प्स हिम, और उसकी मदद करता है बाय ब्रिंगिंग कॉफी, उसे कॉफी लाकर एंड फूड फॉर हिम, और उसके लिए भोजन लाकर एंड फ्रेश बेड्स फॉर हिज लाइफ, और ताजा बेट लाना किसके लिए, मछली पकड़ने के लिए जो उसकी क्या थी, आजीविका थी। द ओल्ड फिशरमैन लव्स द बॉय, और जो सैंटियागो है वो भी उस लड़की को बहुत अधिक प्यार करता है एंड टॉक्स टू हिम, और उसे बातें करता है ऑन अबाउट बेसबॉल। बेसबॉल जो एक प्रकार का टाइप ऑफ गेम, एक प्रकार का गेम होता है, उसके बारे में वह उससे बातें करता रहता है। On the 85th day, 85वें दिन, the fisherman, जो मछुआरा है, rode out of the far horn in the early morning to try his luck once again. 85वें दिन, fisherman जो है, जो सैंटियागो है, वो अपने भाग्य को पुनः आजमाने के लिए समुद्री यात्रा पर निकलना शुरू कर देता है, वो निकल जाता है। He left other fisherman, और वो दूसरे मछुआरों को पीछे छोड़ देता है and headed toward the Gulf Stream. और वो गल्फ स्ट्रीम की धारा की तरफ बढ़ जाता है। ए मार्लिन फिश सोल्ड ऑफ हिज बेट, और एक जो मार्लिन जो फिश होती है वो उसके बेट को गटक जाती है, निकल जाती है। द फिश पुल्ड द लाइन, और जो मछली है वो रस्सी को खींचती है। सैंटियागो यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ, और सैंटियागो अपनी पूरी ताकत लगाता है टू पुल द फिश, मछली को खींचने में, बट फेल्ड, लेकिन वो क्या होता है, असफल होता है। द फिश बिगेन टू टो The boat to the northwest, और जो मछली है वो शुरू कर देती है उस नाव को उत्तर पश्चिम की ओर खींचना, क्योंकि जो मछली जो थी वो बहुत ही हैवी मछली थी, और उसके कारण वो रस्सी को खींचने लग जाती है, और रस्सी खींचने के कारण जो नाव है वो उत्तर पश्चिम की ओर डोलना शुरू हो जाती है। सैंटियागो को आशा थी that the fish would appear on the surface, कि जो मछली है वो सतह पर आ जाएगी, of the water, पानी की सतह पर आ जाएगी by the sunset, सूर्यास्त तक, but the fish did not come out, लेकिन जो मछली है वो पानी की सतह पर नहीं आई।
सेंटियागो वॉज टायर्ड और जो सेंटियागो है वो थक जाता है, फिर भी ही डिड नॉट लॉस हर्ट, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। ही विश, उसकी इच्छा थी, मतलब वो सोच रहा है कि द बॉय टू बी विद हिम एंड हेल्प हिम, कि आज काश लड़का मेरे साथ होता और वो मेरी क्या करता, मदद करता। इट वॉज नाइट नाउ, अब रात्रि हो जाती है, अर्थात सूर्यास्त तक जो मछली है वो पानी की सतह पर नहीं आती है और रात्रि हो जाती है। इट वॉज कोल्ड, और रात्रि भी कैसी होती है, ठंडी होती है। सेंटियागो फेल्ट हंग्री, और सेंटियागो को भूख महसूस होती है, भूख लगती है। ही एट पार्ट ऑफ द स्मॉल फिश, और वह एक छोटी मछली जिसका नाम टूना है उसको खाता है। दैट ही हैड कॉट, जिसको उसने पकड़ा। ही ड्रिंक लिटिल वाटर, और उसके बाद वो थोड़ा पानी पीता है। सेंटियागोज स्ट्रगल कंटिन्यूस, और सेंटियागो का जो संघर्ष है वो जारी रहता है, कंटिन्यू चल रहा है अभी। किसके साथ? उस मार्लिन फिश के साथ। एट लास्ट, अंत में द फिश मार्लिन, अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर फिश का नाम क्या है, मार्लिन है। सीम्ड टायर्ड, ऐसा लगता है उसको सेंटियागो को कि जो मार्लिन जो फिश है वो थक गई है। सेंटियागो सेड टू हिमसेल्फ, इसलिए सेंटियागो अपने आप से कहता है, फिश आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम टायर्ड, कि मछली मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अर्थात मरते दम तक तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा, संघर्ष करूंगा। एट लास्ट द मार्लिन अपीयर ऑन द सरफेस, और अंत में जो मार्लिन फिश है वो पानी की सतह पर आ जाती है। इट वॉज एन अनयूजुअली हग फिश, ये असाधारण रूप से एक बड़ी मछली थी। इट वॉज द बिगेस्ट फिश ही हैड एवर सीन, उसने अब तक जो मछलियां देखी उन मछलियों में सबसे बड़ी थी ये फिश। ही हैड ए लॉट ऑफ एंड्योरेंस, उसने बहुत कुछ सहन किया। ही थॉट ऑफ डी मैजियो, उसने किसके बारे में भी सोचा, डी मैजियो के बारे में सोचा, हु कुड बियर ग्रेट पेन, जिसने क्या सहन किया था, बहुत बड़ा दुख दर्द को सहन किया था। सेंटियागो कॉट ए डॉल्फिन फॉर हिज सफर, सफर होता है लास्ट मील ऑफ द डे, रात्रि का अंतिम भोजन, और अपने अंतिम भोजन के लिए सेंटियागो ने डॉल्फिन फिश को पकड़ा। ही न्यू, वो जानता था, ही हैड टू स्ट्रगल दी सेकेंड नाइट आल्सो, कि उसे दूसरी रात्रि को भी इस मछली से क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। दी पेन ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधों का जो पेन था वॉज वेरी एक्यूट, वो तेज होता चला, क्योंकि एक तो ओल्ड एज थी और इसके साथ ही वो उस रस्सी को अपने कंधों से पकड़कर वो किससे संघर्ष कर रहा था, मार्लिन फिश से कर रहा था, इसके कारण उसके कंधों में तेज दर्द होने लगा। ही हाउएवर डिड नॉट लॉस हर्ट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लॉस हर्ट। ही टुक रेस्ट फॉर 2 आवर्स, उसने 2 घंटे आराम किया। ही क्लीन द डॉल्फिन, और उसने डॉल्फिन जो मछली है उसको साफ किया, फॉर ईटिंग इट, इसे खाने के लिए। द फिश मार्लिन एट लास्ट जंप्ड आउट, और अंत में जो मार्लिन फिश है वो उछली और वाटर पानी से एंड फॉल्ड, और वो मृत हो मर गई। इट वॉज मोर दैट 1500 pounds, इसकी जो वजन जो था वो 1500 pounds, तभी तो वो क्या थी, एक बिग मार्लिन फिश थी, उसका जो वजन था वो 1500 pounds वजन था। इट वॉज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द ओल्ड मैन, और वृद्ध व्यक्ति के लिए तो ये किसके समान था, जैसे उसका सपना ही क्या हो गया, हो साकार हो गया। ही टाइड द फिश टू हिज बोट, अब उसने उस मछली को अपनी बोट से बांध दिया। ही वॉज नाउ मूविंग होमवर्ड, और अब वो अपनी घर की तरफ चल दिया। ही वॉज हैप्पी, और वो खुश था। द विंड ब्लू फेवरेबली, क्योंकि जो हवा थी उसी के अनुसार चल रही थी, जिसे जिस दिशा की ओर उसकी नाव खेरा था उसी दिशा की ओर हवा चल रही थी, इसके कारण वो बहुत खुश था। ऑन हिज वे बैक ही कॉट ए डजन श्रिम्प्स, रास्ते में जब वो लौट रहा था तो उसने दर्जनों श्रिम्प्स मछलियों को पकड़ा। चॉप्ड ऑफ डियर हेड्स एंड एट देम टू कीप हिज विगोर, और उन्होंने उसके सिर को काटा और उसने अपने जोश अपनी ताकत अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसने खाया। वेन वॉज मूविंग होमवर्ड, और जब वो घर की ओर लौट रहा था तो ही नोटिस, तो उसने देखा ए मैको, जो एक शार्क मछली थी, हेडिंग टू वार्ड दी बोट, वो किसकी तरफ बढ़ रही थी, नाव की तरफ बढ़ रही थी। दी शार्क टुक ए बिग चंक ऑफ मीट फ्रॉम दी मार्लिन, और जो शार्क जो मछली थी जो वो आई, वो उस मार्लिन फिश का एक बड़ा चंक होता है, टुकड़ा, मांस का टुकड़ा ले लिया। सेंटियागो सून रेम दी हार्पून,
सेंटियोग ने तुरंत अपने हार्पून को डाला इनटू द हेड ऑफ द शार्क, किसके ऊपर? उस शार्क मछली के सिर पर। बट व्हाइल गोइंग डाउन इट टू द हार्पून विद इट, लेकिन जब वो शार्क मछली अंदर गई तो वो अपने साथ उस हार्पून को भी लेकर चली गई। सेंटियोगो न्यू दैट मोर शार्क वुड कम, सेंटियोगो जानता था कि और शार्क मछली आएंगी, सो ही प्रिपेयर्ड ए हार्पून, इसलिए उसने एक हार्पून को तैयार किया। बाय टाइंग ए नाइफ ऑन वन ऑफ हिज ओर्स, उसने एक जो तिपाई जो एक और आरी जो हंडी जो होती है उसके कोने पर एक चाकू को बांधकर। 2 hours later, 2 घंटे के बाद ही noticed 2 more shark, उसने notice किया कि और shark मछलियां गई। Before he could kill them, वह उनको मारता, they took a major portion of the fish, वो उस मारले फिश का अधिकतर मांस का टुकड़ा लेकर चली गई। In the meantime, उसी समय more shark came, और shark मछलियां आ गई, and took away the meat of the fish, और उस फिश का मांस लेकर चली गई। One of the shark took away the harpoon, और उन shark मछलियों में से तो एक harpoon को लेकर चली गई, अर्थात जो harpoon उसने बनाया था उसको भी लेकर चली गई। The third night approached, अब तीसरी रात्रि आ गई है, 2 रात्रि तक वो संघर्ष कर रहा है, तीसरी रात्रि भी आ चुकी है। It was dark, अंधेरा है। Santiago's determination did not diminish, सेंटियोगो का जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ संकल्प है, डॉट डिमिनिश, वो अभी भी कम नहीं हुआ। He repeated, उसने उसी बात को दोहराया, किस बात को? I will fight them until I die, कि मरते दम तक मैं मछली के साथ क्या करूंगा? संघर्ष करूंगा। He was almost totally broken, वो पूरी तरीके से टूट चुका था। More shark came, और shark मछलियां आ गई, and there was nothing left of the marlin, और उस marlin fish में कुछ भी नहीं बचा। He was now moving toward his destination, अब वो अपनी गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहा था, by the force of the current, उस धारा की ताकत के साथ, क्योंकि favorably उधर ही हवा चल रही थी, तो धारा भी उधर ही चल रही थी जिस ओर उसे जाना था, अर्थात घर की तरफ जब वो लौट रहा था। He realized, उसने महसूस किया that he was beaten, उसकी पराजय हुई है, क्यों? क्योंकि he had gone too far, क्योंकि वो बहुत अधिक दूर निकल गया, इस कारण उसकी हार हुई है। There was only the skeleton of the great fish, केवल उस महान मछली का क्या रह गया? Skeleton रह गया, ढांचा रह गया, हड्डियों का ढांचा रह गया, which was tied to his boat, जो उसकी नाव से बंधा हुआ था। He reached his hut, वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा, a little water, थोड़ा पानी पिया, lay on the bed, अपने बिस्तर पर लेट गया, and covered himself with a blanket, और उसने अपने आप को कंबल से ढककर सो गया। Manolin came to his hut in the morning, और मैनोलिन जो यंग बॉय है वो सुबह उसकी झोपड़ी में आता है। ही नोटिस, वो नोटिस करता है the bad condition of his hands, कि उसके हाथों की स्थिति बहुत ही खराब है, अर्थात उस फिश के साथ संघर्ष करने में उसके जो हाथ है उनको भी क्या हुआ है, कहने का मतलब है उनको नुकसान पहुंचा है, दर्द हो रहा है उनमें बहुत तेज। ही वीप्स टू सी द ओल्ड मैन ऑल वुंडेड, उसे रोना आ जाता है उस वृद्ध व्यक्ति के घावों को देखकर, एंड फैटिग्यू और उसकी थकावट को देखकर। ही गोस आउट टू ब्रिंग कॉफी फॉर हिम, और वह उसके लिए कॉफी लाने के लिए चला जाता है। मैनी फिशरमैन हैव गैदर्ड अराउंड द फिशरमैन्स बोट, बहुत सारे मछुआरे जो हैं वो उसकी बोट के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, बॉन्डिंग एट द मार्वेलस कैच, उस शानदार उस भव्य मछली को देखने के लिए। द बॉय गिव्स द ओल्ड मैन कॉफी, जो मैनोलिन है वो सेंटियोगो को जब वो सुबह जागता है तो वह उसको कॉफी देता है। द ओल्ड मैन टेल्स द बॉय, और जो ओल्ड मैन है अर्थात जो सेंटियोगो है वो मैनोलिन को अबाउट हिज स्ट्रगल, अपने संघर्ष के बारे में बताता है, विद द फिश एंड द शार्क, उस मार्लिन फिश के साथ संघर्ष जो हुआ और शार्क मछलियों के साथ संघर्ष हुआ। द बॉय हैज इंबाइड द ओल्ड मैन्स ऑप्टिमिज्म, और जो लड़का है वो उस वृद्ध व्यक्ति के जो क्या नाम है ऑप्टिमिज्म, जो आशा आशावादिता है उससे बड़ा ही प्रभावित होता है। ही हैज रिजॉल्व टू फिश विद हिम नाउ, और वो संकल्प लेता है कि वह अब उसी के साथ मछली पकड़ेगा। ही ब्रशेस असाइड, और वो अलग कर देगा द ओल्ड मैन्स ऑब्जेक्शन, उस वृद्ध व्यक्ति की ऑब्जेक्शन जो वो विरोध कर रहा था, बीइंग अनलकी, क्या जो उसके साथ दुर्भाग्य था, अर्थात जो वो बिना मछली पकड़े रह रहा था, तो
वो कहता है कि मैं इसके दुर्भाग्य को बिल्कुल अलग कर दूंगा। He says, वो खुद भी कहता है कि hell with luck, पहाड़ में जाए सौभाग्य, I will bring the luck with him, मैं तो उसके साथ क्या लेकर आऊंगा, भाग्य लेकर आऊंगा। There are three objections in the novel, इसमें तीन चीजें हैं, and in three different stages of existence, और अस्तित्व की तीन अवस्थाएं हैं, जिनमें कौन कौन सी है, the loins, in the dreams, save, सपनों में, DiMaggio, जो बेसबॉल प्लेयर है ये माइंड में चलता है, और दी बॉय कॉन मैनोलिन। दस इस तरीके से दी नोबल एसर्ट्स दी वैल्यू ऑफ स्ट्रगल ऑफ मैन एंड आल्सो दी वैल्यूज ऑफ लव ट्रूथ ऑनर। इस तरीके से ये जो उपन्यास है वो मानव के संघर्ष के बारे में बताता है, और प्यार सत्य ट्रुथ सत्य ऑनर सम्मान ट्रिक अभिमान और ह्यूमिलिटी, इन सभी के वैल्यू जो इनकी कीमत है इसके बारे में बताता है। इट इज अनसरपास इन हमिंगवेज वर्क्स, यह जो रचना है वो हमिंगवे की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से है। एवरी वर्ड टेल्स, इसका प्रत्येक जो शब्द है वो बताता है, एंड देयर इज नॉट ए वर्ड टू मैनी, और इसमें ज्यादा शब्द भी नहीं है। This is the best short story, ये सबसे अच्छी कहानियों में, मतलब सबसे अच्छी कहानी है हमिंगवे की, जो हमिंगवे ने लिखी है उन सभी कहानियों में सबसे श्रेष्ठ है। No page of this beautiful masterwork, कि कोई भी ऐसा पेज नहीं है जो उसका masterwork नहीं हो, could have been done better और differently, अर्थात जिसको बदला जा सके। इस ऐसी खबर संडे टाइम्स में छपी थी जब उन्होंने इस उपन्यास को लिखा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इंट्रोडक्शन टू दी नोबल और समरी ऑफ दी नोबल, हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब कुछ समाप्त होता है। अब हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा वही हमें इंट्रोडक्शन टू दी नोबलिस्ट अर्थात जो राइटर है उसके बारे में लिखना है, इसके बाद हमें इंट्रोडक्शन टू दी नोबल के बारे में लिखना है, फिर हमें उसकी ब्रीफ समरी लिखनी है, और इसके बाद दो तीन पॉइंट हमें लिखना है कि एक तो जो सैंटियागो और जो मैनोलिन है उनके बीच में रिलेशनशिप बताना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सैंटियागो एंड मैनोलिन। तो इस पॉइंट पर हमें डिस्कशन करना है कि जो सैंटियागो और मैनोलिन के बारे में जो रिलेशनशिप है वो पिता पुत्र के समान है, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा हमें स्ट्रगल विद शार्क, जो सैंटियागो है जो उसने आफ्टर टू कैच दी मार्लिन फिश को पकड़ने के बाद उन्होंने जो शार्क मछलियों से संघर्ष किया उसके बारे में हमें बताना है, और इसके अलावा हमें कुछ सिंबल्स के बारे में बताना है जो किस किस का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये जो उपन्यास है दी ओल्ड मैन एंड दी सी, इसके बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।